गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम निकिता शर्मा फ्रॉम डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर। सो क्लास एलकेजी सब्जेक्ट मैथ चैप्टर फर्स्ट बिटवीन और पार्ट है 3। ओके, आप इससे पहले जो वीडियोस थे उनमें आप बिफोर एंड आफ्टर पढ़ चुके हो। अब हमें पढ़ना है बिटवीन। बिटवीन का मतलब क्या होता है? बीच में। और बीच में तो हम कैसे होते हैं? बीच में दो चीजों के बीच में हो सकते हैं, जैसे कि एक तरफ राम बैठा है, एक तरफ श्याम बैठा है, बीच में मोहन बैठा है। वो दोनों के बीच में बैठा है ना, किसके? राम और श्याम के बीच में कौन बैठा है? मोहन बैठा है, है ना? तो बिटवीन मतलब बीच में। ओके, अब देखो जैसे कि ये टू कैंडल्स हैं, है ना, तो इनके बीच में क्या रखा है? दिया रखा है ना। किसके बीच में आ रहा है? कैंडल्स के बीच में आ रहा है, मतलब कि आप इसको और इसी तरीके से समझ सकते हो कि हाँ, हम दो चीजें, जैसे ये आपकी फिंगर है, थ्री फिंगर्स है, तो आपको पता है ना ये जो सेकंड नंबर फिंगर होता है वो सबसे बड़ा होता है ना हमारा, तो ये किसके बीच में आ रहा है? ये फर्स्ट और ये थर्ड के बीच में आ रहा है ना सेकंड। फर्स्ट और थर्ड के बीच में आ रहा है ना ये सेकंड फिंगर, तो वैसे ही। अब देखिए ये टू फ्लावर्स है, तो इसके बीच में एक लीव आ रही है ना ये, ठीक है। अब देखिए ये ट्रीज है, ठीक है। अब देखिए ट्रीज के बीच में एक तो है जिसपे कुछ भी नहीं लगा हुआ है, एक है उसपे बहुत सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं, और एक फिर उसपे कुछ नहीं लगा है। मतलब इन दो ट्रीज के बीच में एक ट्री ऐसा भी है जिसपे कुछ लगा हुआ है। अगर भूख लगी है तो हम खा सकते हैं ना, खा सकते हो ना आप लोग? तो वैसे ही है, जैसे कि आपके सामने प्लेट में खाना हो, एक मिठाई हो, एक में सब्जी हो, एक में मिठाई हो, तो आपको पता चल जाएगा ना बीच वाली कटोरी में क्या रखा हुआ है, ठीक है। वैसे ही हम ये जो बिटवीन पढ़ रहे हैं इसमें हम रिलेटेड पढ़ेंगे नंबर से, कि 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, तो हम इजीली बता सकते हैं क्या 1 और 3 के बीच में कौन सा नंबर आ सकता है, 2 आ सकता है। फिर देखिए 1, 2, 3, 4, 1 से लेकर 4 तक के बीच में 2 डिजिट आ सकते हैं ना, 2 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है, ठीक है। अब हमें बताना है ना नंबर्स के बीच में, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4, यहाँ पे लिखा हुआ है 6, ओके। यहाँ पे लिखा हुआ है 7 और यहाँ पे लिखा हुआ है 9। यहाँ पे लिखा हुआ है 12। अब आपको क्या करना है, ये देखो नंबर्स में हम कैसे करेंगे। जैसे आपको पता होना चाहिए कि 4 के और 6 के बीच में क्या आता है, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14। अब हम इसीलिए पता कर सकते हैं कि 4 और 6 के बीच में क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 और 6 के बीच में क्या आया, 5, तो हम यहाँ पे क्या फिल कर देंगे, 5। अब हमें देखना है 7 और 9 के बीच में, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, क्या आया 7 और 9 के बीच में, 8, हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे, 8। फिर देखिए 12 और 14 के बीच में, तो देखिए 11, 12, 13, 14, हमें तो देखना है 12 और 14 के बीच में, ये 12 है, 12, 13, 14, क्या है इन दोनों के बीच में, 13, तो आप क्या फिल कर सकते हो, 13, ओके। अब देखिए हम इसे कैसे समझते हैं, देखिए आपके पास 4 कम्स बिटवीन 4 एंड 6, क्या आएगा 4 एंड 6 के बीच में, तो देखिए हमें इसको सॉल्व करने का इजी तरीका क्या है, 10 तक की काउंटिंग लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 75, 76, 77,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, ठीक है। अब हमें पता करना है 4 and 6 के बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या आया, 4, 5, 6, 5 आया, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 5 comes between 4 and 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट कम्स बिटवीन 7 and 9, तो हमें क्या देखना है 7 and 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9 क्या आया 8, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 8 comes between 7 and 9। थर्ड क्वेश्चन देखिए व्हाट कम्स बिटवीन 2 and 4, 2 and 4 के बीच में क्या आया 1, 2, 3, 4, 2 and 4 था 2, 3, 4 क्या आया 3, 3 comes between 2 and 4, 3 comes between 2 and 4। अब नेक्स्ट देखिए व्हाट कम्स बिटवीन 3 and 6, अब आपको 2 digit पूछनी है एक साथ कि 3 and 6 के बीच में क्या क्या नंबर आएगा, व्हाट कम्स, तो आप क्या लिखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या आया 4 and 5, तो आप यहाँ पे क्या फिल करोगे 4 and 5। फिफ्थ देखिए व्हाट कम्स बिटवीन 4 and 7, 4 and 7 के बीच में आपके पास कौन से नंबर आते हैं, देखिए 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट करना है 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 5 और 6 आता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 and 6 comes between 4 and 7, ओके। देखिए 5 comes between 4 and 6, 8 comes between 7 and 9, फिर देखिए 3 comes between 2 and 4, 4 and 5 comes between 3 and 6, and 5 and 6 comes between 4 and 7। अब देखिए इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं व्हाट कम्स इन बिटवीन, देखिए फर्स्ट नंबर 7, 10 and 12, फिर देखिए थर्ड नंबर है 66, 68 के बीच में, फिर आपको देखना है 12 and 14 के बीच में, 5 नंबर देखिए 0 and 2 के बीच में, 6 नंबर है आपका 9 और 11 के बीच में, 7 नंबर है 25 और 27 के बीच में, 8 नंबर है 29 and 31 के बीच में, 9 नंबर है 26 और 28 के बीच में, 10 नंबर है 32 and 34 के बीच में, 11 नंबर है 39 और 41 के बीच में, 12 नंबर है 41 और 43 के बीच में, 13 नंबर है 44 और 46 के बीच में, 14 नंबर देखिए 48 और 50 के बीच में, 15 नंबर है 51 और 53 के बीच में, 16 नंबर है 55 और 57 के बीच में, 17 नंबर है 60 और 62 के बीच में, 18 नंबर है 73 and 75 के बीच में, 19 नंबर है
77 और 79 के बीच में 20 नंबर है, 83 और 85 के बीच में, तो सॉल्व करते हैं 7 and 9 के बीच में। तो देखिए 7, 8, 9 क्या आता है, 8, तो क्या फिल करोगे आप, 8। फिर देखिए 10 और 12 के बीच में, 10 के बाद क्या आता है 11 और 12 से पहले क्या आता है 11, हो गया ना। अब देखिए 66 और 68 के बीच में, तो 66, 67 और 68, तो आप यहाँ पे क्या फिल करोगे 67। 12 और 14 के बीच में 12, 13, 14 तो आएगा 13। 0 और 2, 0 के बाद में और 2 से पहले क्या आता है 1, तो आप क्या फिल करोगे 1। 9 और 11 के बीच में 9, 10, 11 तो हम फिल करेंगे 10। फिर 25 और 27 के बीच में 25, 26, 27, 29, 30, 31 तो हम फिल करेंगे 30, 27, 26, 27, 28 तो हम फिल करेंगे 27, 32, 33, 34 तो हम फिल करेंगे 33, 39, 40, 41 तो हम फिल करेंगे 40, 41, 42, 43 तो 41 और 43 के बीच में क्या आया 42, 44, 45, 46 तो यहाँ पे आएगा 45। फिर देखिए 48 और 50 के बीच में 48, 49 and 50 तो हम फिल करेंगे 49, 51, 52, 53 तो 52, 55, 56, 60 तो 61, 73, 74, 75 77, 78 and 79 83, 84 and 85 सो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप DAV स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।